देखो इस प्रॉब्लम में है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट. सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करती है, चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर है या नहीं सेकंड पॉलिनोमियल का. ठीक है, आप डिवाइड करके चेक करो, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. इससे डिवाइड करना है हमें 3x4 5x3 7x2 2x and 2. देखो डिवीजन का एक बहुत ही बेसिक ट्रिक है, सिर्फ आप फर्स्ट पार्ट को फोकस करो. अगर आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पावर 4, 3, 2, 1, यहाँ भी 2, 1, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो सिर्फ फर्स्ट को फोकस करना है. अब देखो एक्स स्क्वायर को 3x4 बनाना है, मल्टीप्लाई क्या करें एक्स स्क्वायर में कि 3x4 बन जाए, 3 तो करना ही पड़ेगा, और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से 3x4 आ जाएगा. तो चलो 3x2 से इस पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो, पूरे पॉलिनोमियल को, ये आ जाएगा 3x4, 3x2 से 3x में करेंगे, 3×3 = 9, और x into x2 x³ आ जाएगा, और 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा 3x2. चलो अब हम माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो नीचे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस और प्लस माइनस हो जाता है, ये कैंसिल. अब माइनस 9x³ प्लस 5x³, ये तो आएगा माइनस 4x³. अब इसके बाद देखो माइनस 7 और माइनस 3, ये आ जाएगा माइनस 10x², बाकी के दोनों टर्म्स भी नीचे ले लो. अब देखो अब हमें इसको फोकस करना है. पहली बात तो x² को x³ बनाने के लिए x तो चाहिए और माइनस 4 भी चाहिए, तो हमें यहाँ पे माइनस 4x लेना है. माइनस 4x से इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस 4x³ और माइनस 4 और प्लस 3, माइनस प्लस माइनस माइनस एंड 4×3 = 12, 12 और x into x x² देन 1 को करो तो माइनस 4x. चलो माइनस करो, माइनस का मतलब माइनस जितना भी हमारा वो प्लस बन जाएगा, ये तो कैंसिल. अब देखो प्लस 12 से माइनस 10 माइनस करेंगे तो ये आएगा 2x², 4x प्लस 2x दोनों पॉजिटिव है तो ये आएगा 6x प्लस ये बच गया 2, इसको भी ले लो. अब देखो यहां से क्या करना है, x² 2x² लाना है x² से, सिंपल सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है. हम इसमें कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, 2 से जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x², 3×2 = 6x एंड प्लस 2. अब जब हम माइनस करेंगे तो सारे साइन चेंज, ये सारे के सारे कैंसिल हो रहे हैं, यानी 0. रिमाइंडर 0 का सिंपल सा मतलब है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो हमारा सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है. यस थैंक्स.